टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज। दोस्तों अगर आपको 25,000 के बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कैमरा वगैरह बढ़िया हो, तो कुछ ऐसा ही फोन्स को आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैंने 25,000 के बजट में आने वाले ढेरों सारे स्मार्टफोन में से सिर्फ और सिर्फ 5 स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में मैंने रखा है, जिसमें नो डाउट कैमरा काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा, OIS का सपोर्ट होगा, 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, कैमरा के अलावा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट होगा, अच्छा डिस्प्ले मिलेगा एंड बड़ा रैम स्टोरेज भी होगा। ये कह सकते हैं कि ये सभी फोन इस बजट का एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप डिटेल्स स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं और आपको एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है नथिंग फोन 2A 5G, और इस बजट के अकॉर्डिंग इस फोन का कैमरा काफी बढ़िया मिलेगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है, आइए देखते हैं। तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा, मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सैमसंग G9 वाला सेंसर लगा हुआ है, 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, और सेल्फी कैमरा में सोनी IMX615 वाला सेंसर लगा हुआ है, और अब 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर, और 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। तो कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह एक पंच होल डिस्प्ले है, इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, और यह एक 10-bit डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले का क्वालिटी काफी बढ़िया मिलेगा एंड डिस्प्ले काफी बढ़िया है, रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ टॉप नॉच का है। खैर प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 Pro वाला प्रोसेसर मिलेगा, 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। डिसेंट प्रोसेसर मिलेगा एंड स्कोर बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। ये चार्जर 22-23 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा और लगभग 1 घंटा में 100% चार्ज कर देगा, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.5mm का थिकनेस है। भाई ये फोन एक अलग ही यूनिक डिजाइन के साथ आता है, तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी खूबसूरत है। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5mm वाला जैक नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन नथिंग OS 2.5 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। इसमें 3 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। IP54 का रेटिंग भी है। Wi-Fi वर्जन 6 के साथ आता है एंड ब्लूटूथ वर्जन भी 5.3 के साथ आता है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 23,999 रुपया है। वैसे इस फोन का और भी वेरिएंट आता है जिसका प्राइस 25,000 से ज्यादा है, तो 25,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट के 4th नंबर पे आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE 4। इस फोन को लॉन्च होने से ज्यादा टाइम हुआ है नहीं। अगर आपको 25,000 के अंडर में OnePlus की तरफ से आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा वगैरह बढ़िया हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। कैमरा के अलावा भी और भी फीचर्स बढ़िया है, क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में ही OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। पीछे का कैमरा से मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps पर। इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो इसमें 6.7 इंच का फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट एंड 1100 nits का पीक ब्राइटनेस मिलेगा, और HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी है। ब्राइटनेस सही है, सनलाइट या फिर आउटडोर वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इवन डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा। यह एक 5G प्रोसेसर है एंड 4nm पर बना हुआ है, और लगभग 8 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। गाइस प्रोसेसर जो है ना पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी बढ़िया है। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5500 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 100 वाट का चार्जर को, और लगभग आधा घंटा में 0-100% चार्ज करके दे देगा
देगा ये चार्जर आपके फोन को, तो काफी अच्छी बात है। और 5500 एमएच का बैटरी मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। 186 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.4mm का थिकनेस है, तो वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है, फिर भी डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5mm वाला जैक नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन कलर ओएस 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा एंड IP54 का रेटिंग भी है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है। RX 128 वाले वेरिएंट का प्राइस Amazon पर फिलहाल के टाइम पे 24,999 रुपया है और RX 256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 26,999 रुपया है। तो 25,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस लिस्ट के थर्ड नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला एज 50 फ्यूजन। हाल ही फिलहाल में ये फोन लॉन्च हुआ है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला एक अच्छा लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कैमरा वगैरह बढ़िया हो तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि ये फोन वाटरप्रूफ फोन है। खैर क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ ये फोन आता है आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो बैक साइड इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 175 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.9mm का थिकनेस है, तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह बढ़िया मिलेगा। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप्स रेड्स वगैरह नहीं दिखेगा और ये रन करता है एंड्रॉइड 14 पर। इसमें 3 ईयर तक का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। इसमें IP68 का रेटिंग मिलेगा यानी वाटर प्रूफ फोन है ये। खैर अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलेगा और हाँ यह एक कर्व डिस्प्ले है। इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1200 nits का पीक ब्राइटनेस है एंड यह एक 10-bit डिस्प्ले है। नो डाउट डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा और कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो और अच्छी बात है ये। खैर अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा वो 50 megapixel का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 megapixel का है और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सोनी लीटिया 700C वाला सेंसर लगा हुआ है एंड 1.8 का अपर्चर है और गाइस उसी में ही OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप आगे पीछे सभी कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। हां तो कैमरा सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो दोस्तों इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा और 5,20,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है, तो 22-23,000 के बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर बढ़िया मिलेगा, प्रोसेसर को खराब नहीं कह सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 68W का चार्जर को। लगभग 15 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है। RX 128 के लिए 23,000 रुपया देना होगा और 12256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 25,000 रुपया देना होगा फ्लिपकार्ट पर। तो 25,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट के सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F55 5G। अगर आपको इस बजट में कोई लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कैमरा वगैरह बढ़िया हो तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं और भाई सैमसंग कैमरा वगैरह के लिए जाना जाता है, नो डाउट कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैमरा से ही। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा 50 megapixel का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 megapixel का है, थर्ड कैमरा 2 megapixel का है जो कि सेंसर है और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो भी 50 मेगापिक्सल का ही है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर और बाकी बात 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। डे लाइट में इस फोन का कैमरा काफी तगड़ा परफॉर्म करेगा बट लो लाइट में डिसेंट परफॉर्म करेगा इस फोन का कैमरा, फिर भी इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का। तो गाइस इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.7 इंच का फुल HD प्लस है।
इसमें 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। अगर आप इस फोन को आउटडोर या फिर सनलाइट वगैरह में यूज करेंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ब्राइटनेस बढ़िया है और रिफ्रेश रेट भी ठीक है, आई मीन डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि ये प्रोसेसर 4 nm पर बना हुआ है और 5,20,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। स्कोर ठीक है एंड प्रोसेसर को डिसेंट कहेंगे। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5,000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 W का चार्जर को। पौने घंटा एक घंटा फुल चार्ज होने में ये चार्जर ले लेगा एंड 5,000 mAh का बैटरी है तो बैकअप तो मिलेगा ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 1 TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 180 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.8 mm का थिकनेस है, तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सब फोन है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह बढ़िया मिलेगा। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक नहीं है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 6.1 के साथ आता है जो कि Android 14 पर बेस्ड है। इसमें 4 year तक का मेजर अपडेट मिल सकता है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस Flipkart पर फिलहाल के टाइम पे 26,999 रुपया है। अगर आपका बजट 25,000 से थोड़ा सा ज्यादा है तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं, या नहीं तो अगर आप इस फोन को सेल वगैरह में लेंगे तो आराम से 25,000 के अंडर में ही ये फोन आपको मिल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी बेस्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme 12 Pro Plus 5G। आज से कुछ टाइम पहले ये फोन 25,000 के आसपास में बिक रहा था, बट इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया है, लगभग 30,000 के आसपास में इस फोन का प्राइस हो गया है। बट डोंट वरी, अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया में ही मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस फोन को सेल वगैरह में भी लेंगे तो आराम से 25,000 रुपया में मिल जाएगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है, आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैमरा से ही। तो गाइस इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जो कि पेरिस्कोप लेंस है, और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 32 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में सोनी MX890 वाला सेंसर लगा हुआ है, OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 1.8 का अपर्चर भी है, और सेल्फी कैमरा में सोनी MX615 वाला सेंसर लगा हुआ है, और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर, और फ्रंट कैमरा से केवल 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। तो भाई कैमरा इस बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया मिलेगा, कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं। तो कैमरा के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का। तो दोस्तों इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है, और 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। ब्राइटनेस सही है, सनलाइट या फिर आउटडोर वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है ये। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 6.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। ये प्रोसेसर अगर 25,000 वाले फोन में मिल रहा है तब ठीक है, बट 28,000-30,000 वाले फोन में मिल रहा है तो उस बजट के अकॉर्डिंग डिसेंट कहेंगे। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5,000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 67 W का चार्जर को, लगभग 19-20 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8 GB का रैम एंड 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड वीगन लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 196 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.7 mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस को एवरेज टाइप का कह सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा, तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा। बाकी बात 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर भी है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन Realme UI V5.0 के साथ आता है जो कि Android 14 पर बेस्ड है और इसमें IP65 का रेटिंग भी मिलेगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो वैसे इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस Flipkart पर फिलहाल के टाइम पे 29,999 रुपया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इस फोन का प्राइस कुछ टाइम पहले ही 25,000 के आसपास में था, बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया है। बट अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो अभी के टाइम पे भी ये फोन आपको 25,000 रुपया में आराम से मिल जाएगा, या नहीं तो अगर आप इस फोन को सेल वगैरह में लेंगे, सेल वगैरह आता ही रहता है, तो उसमें ये फोन आपको 25,000
25,000 रुपया में मिल जाएगा। और गाइस वैसे भी इस वीडियो में मैंने 25,000 के आसपास में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है जिसमें कैमरा बढ़िया मिलेगा। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है।